दोस्तों, आप सभी कैसे हैं भाई? उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छे होंगे। हम आप पहुंचे हैं हरियाणा के सोहना विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और यहां पर देख सकते हैं आप तमाम यहां पर ग्रामीण भाई बंधु मौजूद है। तमाम जानकारियों से रूबरू कराऊंगा कि यहां पर इस सोहना क्षेत्र के अंदर किसका दबदबा होने वाला है। कांग्रेस का पलड़ा भारी होगा या फिर बीजेपी का पलड़ा भारी होगा? तमाम जानकारियों से आपको रूबरू कराऊंगा कि सोहना विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसकी चमक दमक होने वाली है, किसको ये सरताज पहनाने वाले हैं। भैया एक बार थोड़े थोड़े खड़े हो जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। खड़े हो जाओ, खड़े हो गए ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या नाम है अपना भैया? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जी नाम है इनका। मोहम्मद जी, अब की बार किसको सरताज पहना रहे हैं? हम तो जी जावेद को दे रहे हैं जी। जावेद को दे रहे हैं? आजाद उम्मीदवार है जी, आजाद पार्टी से। हाँ जी, आजाद उम्मीदवार जी। निर्दलीय है, ऐसा कारण क्या है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार को आप वोट कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो बीजेपी ने कोई काम नहीं किया जी। अच्छा। हाँ जी, इसलिए हम कर रहे हैं जी, अपना विकास हो, हमारे यहीं का हो लोकल जी। लेकिन उनका तो कोई दल ही नहीं है फिर? नहीं, दल की ना है जी, हम वोट दे रहे हैं जी, सब दे रहे, छत्तीसगढ़ राज्य दे रही है उसको वोट जी, ऐसे नहीं है। आपके यहाँ की हम बात करें इस विधानसभा क्षेत्र की, और आपका गांव कौन सा है? हमारे गांव बुरा का जी। इस गांव की क्या क्या समस्या है? बिजली की है जी फिलहाल तो, और रोड है जी, और वो हम कराएंगे अगर बनेगा तो हमारा इलाके का जी। अच्छा, रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है। बाहर ही आ जाते हैं हम, किस कहाँ जाए उसको, इसको तो हम जानते हैं, चले भी जाते हैं कैब देंगे इससे तो हम। लेकिन ना तो आपका कांग्रेस की तरफ झुकाव है ना बीजेपी की तरफ, ऐसा क्यों भाई साहब? हम इसको ही दे रहे हैं फिलहाल तो, हमारे इलाके का है। क्या नाम है आपका भाई? मैं ना कैसा को खली भाई कहिए। खली भाई के पास भी चलेंगे भाई। खली भाई एक बार थोड़े से खड़े हो जाओगे ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या नाम है भैया? खली भाई, अभी अभी काम कर रहा हूँ, अभी मुबारक को दो ना। मुबारक भाई, मुबारक भाई क्या कहना चाहेंगे भाई? यहाँ तो जावेद के वोट है सारी, 30,000 प्लस जा रहा हूँ उम्मीदवार, पक्को बल्ला पे जाएंगे हिंद वोट भाई। और हाँ, हम सारे ट्रैक वाले हैं और ट्रैक वाले बीजेपी से परेशान है, 10 साल की सजा बोल रहा कि कैसे कैसे पेट भर रहे हैं, और फिर गाड़ी वाड़ी हमारी ऐसी चलना रही। कैसे 10 साल की कैसे सजा बोल रखी है यार, ऐसा क्यों कह रहे हो यार? 10 साल की सजा, मानस मारने पे 10 साल की सजा बोल रखी है, एक्सीडेंट पे जैसे मानस मर जाता है ड्राइवर 10 साल को जेल जाएगा, और बोलते हैं ड्राइवर वहीं रुकेगा आदमी मरने पे, इतना तो ड्राइवर पिट जाएगा, इतने ड्राइवर को जान से मार देगा। अब ये ड्राइवर कैसे कैसे पेट भर रहे हैं, ड्राइवर ने रास्ते पे मार रहे हैं, कोई गोली मार रहा है, कोई हाथ उठा रहा है, इतना परेशान है। इधर तो जितनी पब्लिक है सब ट्रक बाज वाले हैं, ये तो जावेद की वोट दे रहे हैं और जावेद जीत भी रहा, बहुत तगड़ा जिताएंगे। कितने वोटों से जिताओगे? कम से कम 30+ जा रहा है यहाँ से जावेद। 30,000 वोटों से जिताओगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपकी डिमांडें कौन कौन सी रहेंगी, जो आपके मुद्दे हैं? मुद्दे वह तो जो हमने काम पड़ेगा वह करवा लेंगे, उससे जो से सड़क है ये सिंगल रोड है, ये 4 लाइन करवा देंगे, ये गांव में लाइट नहीं है, नाले खराब हैं, ये सारा काम हो जाएगा अपना। कौन सा गांव है अपना? भूरा का। भूरा का हम बात करें आपके, भूरा का गांव के अंदर कितने वोट हैं? कम से कम 12 से वोट है अपने गांव। 12 से वोट है, लेकिन आप जावेद के पक्ष में कितना डलवाएंगे? पूरा एक आध 10-5 वोट कटेंगे, एक मोहर लगेगी, हर गाँव में एक मोहर लगेगी। अब की बार जावेद अब के पार है, और बार हार रहा था, अब के पार है दब के। 30,000 प्लस और भी मेरे साथ में भाई बंधु, थोड़े से खड़े हो जाओगे ज्यादा अच्छा लगेगा यार। हाँ भाई, खली भाई अब आप बताइए। भाई खली भाई की आपने देखा है कि हिंदुस्तान की आन बान और शान, और भाई खली भाई आप देख सकते हैं कि खली ने तो अच्छे अच्छे को चित्त कर दिया, लेकिन अब की बार ये विधानसभा का चुनाव है, इसके अंदर खली भाई किसको चित्त करने वाले हैं? नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ खली भाई, अब बताइए आप। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ से तो जावेद भाई का है। अच्छा। समर्थन जावेद भाई का है, निर्दलीय है ना जावेद? निर्दलीय। और रही कांग्रेस बीजेपी की, कांग्रेस का तो चलो ठीक है जो है, लेकिन बीजेपी ने तो जो कर रखा है हमारे साथ वो बहुत अच्छा बर्ताव कर रही है। यहाँ ट्रक लाइन में है तो ड्राइवरों के लिए रोड पे कोई सुविधा नहीं। अच्छा। मतलब जितनी हिंदुस्तान में
अगर देखा जाए तो जितने पीड़ित ड्राइवर है ना, ड्राइवर इतना पीड़ित कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। आप आवाज़ उठाते हैं हमारे लिए, कोई भी आज तक आप बता दो ड्राइवर के लिए वहाँ आवाज़ उठी है, आज तक भी ड्राइवर के लिए, ड्राइवर इधर से उधर सामान पहुँचाता है, सब्जियाँ पहुँचाता है, आज तक किसी ने ड्राइवर के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाई। जैसे इंसान के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरह से इस तंत्र को चलाने के लिए ड्राइवर की अहम भूमिका होती है। हम भी रात दिन इतना मेहनत करते हैं, ड्राइवर की अगर बताई जावे तो, वैसे तो थोड़ा सा ओहदा तो दे रखा है कि तुम सिपाही की तरह काम करते हो, लेकिन रोड पे कहीं भी कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। जितना मैं बता रहा हूँ आपको, फिर बताना चाहता हूँ, जितना ड्राइवर पीड़ित हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, इतना कोई भी पीड़ित नहीं है। तो जो बीजेपी सरकार ने जो कानून बनाया है ड्राइवरों के लिए, उसका आप घोर निंदा कर रहे हैं, किस तरह का कानून होना चाहिए? सर सुनो, अगर कोई ड्राइवर चाहता है या कोई उसे एक्सीडेंट हो, उससे कोई मरे, कोई ड्राइवर चाहता है ऐसा? कोई नहीं चाहता। ड्राइवर अपने चींटी को भी बचा के चलता है। ड्राइवर अगर कोई हादसा हो गया तो ये सर कौन कौन ड्राइवर बनेगा आगे, कौन ट्रक चलाएगा, कौन? अभी जो प्रावधान दिया है 7 साल की सजा और 10 साल की सजा, 7 लाख जुर्माना, सर कौन तो भर पाएगा? गरीब लोग हैं ये, ट्रक चला रहे हैं, इधर से उधर माल को पहुंचा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए हैं, ऐसा कैसे ये संभव है जो ड्राइवर 10 साल की सजा भुगते और जेल में जावे? लेकिन खली भाई, अब हम बात करें यहाँ पर चुनावों की, तो चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुके हैं, 5 तारीख के आगामी चुनाव है, लेकिन अब आपका हम ये भी मन जानने की कोशिश करेंगे कि आपने बता दिया कि भाई बीजेपी ने जो ड्राइवरों के लिए कानून निकाला है वो सरासर गलत है और आप इसकी घोर निंदा करते हैं, लेकिन हम बात करें यार यहाँ पर चुनाव की, विधानसभा चुनाव में, तो आप किसको जिताएंगे यार? सर यहाँ से तो चौधरी जावेद जीतेगा। चौधरी जावेद जी जीतेंगे, आपका क्या नाम है? ना चौधरी जावेद जीतेगा जी। क्या बात है, कोई नक्कस घुटी वगैरह तो नहीं पिलाई? कोई नक्कस नहीं दे रहा था। सुनो, ऐसा नहीं है, यहाँ स्किल्स कहीं भी आप गांव में सर्वे कर लो, यहाँ तो सिर्फ चौधरी जावेद की वोट है। क्या कह रहे? चौधरी जावेद की, यहाँ तो आप गांव में सर्वे कर लो, यहाँ तो चौधरी जावेद, यहाँ तो चौधरी जावेद जी का जलवा चलेगा। लेकिन मेरे साथ में खान साहब, थोड़े से मेरे पास में आइए। क्या नाम है खान साहब? मेरा नाम मोहम्मद अकबर है। मोहम्मद अकबर जी, आप भी ड्राइवर हैं? ना जी, ड्राइवर ना हूं। लेकिन ड्राइवर नहीं है, आम नागरिक है, लेकिन ड्राइवरों के साथ जैसी नाइंसाफी उन्होंने कर रखी है, ये इसकी घोर निंदा करते हैं कि भाई ड्राइवर के पास 7 लाख रुपए होते तो यार वो ड्राइवर ही करता क्या? सोचने की बात है। पहली बात तो ये कि इन ड्राइवर भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, जो सरकार 2014 से मोदी सरकार जो आई है, इन्होंने जो भी खेल खेला है, इन्होंने मनचाही तानाशाही चलाई है, जो भी ये कानून लाए, जिनको जो मीडिया में ने बात कही है वो इसने पूरी की है, ये सरकार मानने वाली नहीं है। ड्राइवरों को इन्होंने घेर के रख दिया, ड्राइवरों को रोड पर गाड़ी चलाने के लिए मजबूर कर दिया। अगर ये इतने बड़े होते, इतने मालदार होते, तो ये क्यों गाड़ियाँ चलाते? खुदा ना करे अगर इनसे कोई एक्सीडेंट हो गया, और पब्लिक को आप जानते ही हैं, एक बार एक्सीडेंट होने पब्लिक जो है टूट पड़ती है मारने के लिए। अगर ये अपनी जान बचाने के लिए भागें तो मरें, ना भागें तो जनता मार दे। अब हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव की, किसको सपोर्ट करेंगे आप? देखो जी, हमारे इस इलाके के अंदर जो जोर शोर चल रहा है, एक निर्दलीय उम्मीदवार है चौधरी जावेद साहब, और वो अच्छे हैं, वो उनके लिए 36 बिरादरियों के लिए के साथ चलने वाले हैं, तो इसका यहाँ है। नू तो भाजपा के भी हैं। तो सोना विधानसभा में क्या अब की बार चौधरी जावेद जी का जलवा चलेगा? उम्मीद तो है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला का जो है, अगर अल्लाह ने चाहा तो उम्मीद तो है 100%। 100% उम्मीद है। हम यहाँ के इस आपके इलाके की बात करें, सोना क्षेत्र की, आपके गांव के, यहाँ पे क्या मुद्दे होने वाले हैं आपके, क्या क्या काम करवाना चाहेंगे उनसे? देखो, मुद्दे की बात यह है, जो हमारा ये इलाका है पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ बेरोजगारी के बहुत से मुद्दे हैं। मैं आपको क्या 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 गिनवाऊँ? अब पहाड़ है, आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले जब से पहाड़ का चक्का जाम हुआ था, यहाँ जो हमारे लोकल लोग हैं, नौजवान हैं जी,
दोपहर में आकर 12 बजे तक 1 बजे तक रेस्ट करते थे आगे पहाड़ से, तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये कमा के आते थे। फिर शाम बाकी थी। पहाड़ बंद होने के बाद आज वो नौजवान हमारे भटक गए, जुआ सट्टा की तरफ चले गए, है जी, बुराई और क्राइम की तरफ चले गए हैं। सबसे कई मसला है जी हमारे यहाँ के, ये सरकार नहीं कर पाएगी। अगर जावेद जी आए जी, इसके सामने हम बात रखेंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है ये बंदा हर 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाला इंसान है। 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलने वाले। भैया क्या नाम है अपना? मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद। शहजाद जी, शहजाद जी किसको सरताज पहनाएंगे अब की बार? अल्लाह ने चाहिए तो हम चौधरी जावेद अहमद को पूरी बहुमत से यहाँ से जिताएंगे। अच्छा, जितना भी हो सके, और हम उनसे अपनी राय रखेंगे कि जो हमारी सोच है, जैसे हमारे यहाँ जो सबसे कम है पढ़ाई के बारे में, हम उनसे राय रखेंगे कि हमारे लिए कम से कम इस मेवात के लिए एक यूनिवर्सिटी की मांग जो ऊपर तक वो रख सके। ठीक है, जो हमारे यहाँ बच्चे, जो हमारे नौजवान साथी हैं, मेरे बराबर के, बराबर एज के जो बच्चे हैं, वो आज के टाइम में नशे की लत में बहुत ज़्यादा लिप्त है। ठीक है, वो उसका मेन कारण है बेरोज़गारी। ठीक है, बेरोज़गारी अगर हमारा कोई नेता, हमारा कौम का कोई रहबर अच्छा बोलने वाला हो, हमारे बारे में अच्छी सोच रखने वाला हो, आगे तक हमारी बात पहुंचाए, तो ये काम इंशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत ही जल्दी रोज़गार भी मिलेगा, यूनिवर्सिटी भी होगी, और हमारे यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे होंगे। अगर हमारे यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो इंशाल्लाह वो आगे नौकरियाँ भी लगेंगे, अच्छे काम करेंगे, और हमारे यहाँ बुराइयों से बहुत ज़्यादा बचाव होगा। तो कहने का मतलब आपका यह है कि अब की बार यहाँ पर ना तो कमल का फूल खिलने वाला है और ना ही हाथ का पंजा आने वाला है, यहाँ पर तो कुछ नया ही कुछ खेल होने वाला है। और भी मेरे साथ में यहाँ पर बंधु मौजूद हैं, खड़े हो जाइए दादा, एक बार खड़े हो जाइए। यहाँ पर और भी बंधु मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। ये भी मेरे को तो खली से लग रहे हैं भाई, एकदम खली की तरह लग रहे हैं भाई ये भी। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव बिल्कुल नजदीक है। बिल्कुल नजदीक है। हाँ, क्या कहेंगे बताइए, किसको जिता रहे हैं आप? चौधरी जावेद को। चौधरी जावेद को। मैं ये कह रहा था थोड़ी देर पहले भी, खली भाई से भी कह रहा था, कोई आपको नक्कस ताबीज तो नहीं पिला दिया जावेद ने? जावेद एक युवा नेता है, हर दुख सुख में आता है। अच्छा। हर चीज में पंगा लेता है। हमारे जो भी कोई दर्द होता है, कोई कांटा रहता है, तो उसमें बहता है। हम तेजपाल तंवर को नहीं जानते, रोहतास का खटाना को किसी जानते नहीं। यानी कि कहने का मतलब जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। हाँ, जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, पूरे इलाके की शान और बान है। तो अब की बार ऐसा लगता है कि आपको कि भाई कांग्रेस को भी पटक मार देगा और बीजेपी को भी? बीजेपी को तो देंगे ही नहीं। अच्छा। कांग्रेस को दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी को तुम देंगे ही नहीं। क्या बात है, क्या आप बीजेपी से इस तरह से खफा क्यों हो रहे हैं? बीजेपी को तुम देंगे ही नहीं। चार सीट है मेवात की, चारों ही कांग्रेस की निर्दलीय की रहेगी। निर्दलीय की रहेगी। हाँ, फाइनल है। यहाँ पर देखिएगा, मैं इस क्षेत्र के अंदर आया हुआ था और भाई भी यहाँ पर मौजूद है। भाई थोड़े से खड़े हो जाओगे ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या नाम तो बता दीजिए यार, क्या नाम है आपका? तमाम जानकारियों से मैंने आपको रूबरू करा दिया। यहाँ पर खली भाई को सुना आपने, भाई साहब को सुना, यहाँ पर ड्राइवर लाइन से है, कितने परेशान है आप। मैं कहूँगा कि यार इस वीडियो को है ना इतनी भर भर कर शेयर करें यार, जो ड्राइवरों के प्रति इन्होंने। ड्राइवर तो बहुत परेशान, हम ड्राइवर इतने परेशान हैं, जो ये सरकार में इतने परेशान है, रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं बच रहा गाड़ी पे, और इतनी परेशान आ रही है। ड्राइवर को रोड पे ऐसे मारते हैं लोकल आदमी जिसका कोई हिसाब नहीं है, और अपना जैसे ड्राइवर उनको कोई सुविधा नहीं है, कहीं कार वाला दादा बन जाता है, कभी कोई बन जाता है, और इधर गुड़गामा और अपना फरीदाबाद कोई भी ड्राइवर बोल पड़ता है तो, और पुलिस ने इतनी लूट मार कर रखी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। जितना गुड़गावा के अंदर पुलिस वाले लूटते हैं, इतना पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं लूटता कोई भी। ये पुलिस वाले क्या बोलते हैं गुड़गावे में, अरे मेवाती आ गया इससे 1000 रुपए ले चल, मादर चोद रैप्टा चलाते हैं गुड़गावा टूल टैक्स में। पुलिस वाले इतने परेशान है सरकार से, चालान करो हमारा। हाँ चल, पैसा नहीं दिया और फिर चालान कर देते हैं ऑनलाइन, बैक लिस्ट में गाड़ी डाल रखी है। गरीब आदमी है, अपन ने हमने गाड़ी ले रखी है,
किस्त तक नहीं भरी जा रही, और जावेद अपनी आवाज उठाता है और ये गाड़ी वाड़ी सब महंगी कर रखी है, बहुत ज्यादा परेशान है इस सरकार से। तो गाड़ी बाजी का कोई धंधा सही हो जाता तो कौन हराना वाला, बीजेपी जिताते सब, बीजेपी की सपोर्ट करते, जब दुखी होया पड़ा तो अभी ड्राइवर कोई भी आ जाए तुरंत मार लगेगी उसमें। अरे ड्राइवर ने क्या गुनाह कर दिया, अरे ड्राइवर को क्यों मार रहा है, पुलिस वाला रैप्टा उठाता है, पुलिस वाला बदतमीजी से बात करता है ड्राइवर से, अरे जो भी पेट भर रहा है लोग बाग का, ये ड्राइवर लोग ही तो सिस्टम चला रहा है, ट्रांसपोर्ट लाइन ही खत्म हो जाएगी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जब आवागमन का साधन ही नहीं रहेगा तो लोगों के पास सामान एक एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे पहुंचेगा। मैं गांव कौन सा बताया, बूरा का गांव, गांव बूरा का गांव के अंदर आया था, बूरा का तावड़ू के अंदर आया हुआ था, और भाई यहां सोना तावड़ू के अंदर है ना, अब की बार कुछ समीकरण उल्टा होने वाला है, यहां पर ना तो पंजे की चलेगी और ना ही भाई कमल का फूल खिलेगा, यहां पर तो सिर्फ तीसरा सिर्फ बल्ले से है ना, बल्ले से क्रिकेट मैच खेला जा रहा है यहाँ पर। चौधरी जावेद का जलवा चल रहा है यहाँ पर, तमाम ग्रामीण भाई बंधु दूर दराज से जो इस विधानसभा सोना क्षेत्र के अंदर आते हैं, उनके मुखारविंद से आपसे सुन लिया ना, आपने सुन लिया कि किस तरह से लोग परेशान हैं, और यहाँ पर अब की बार क्या कुछ चेंज करना चाहते हैं, क्या इनकी डिमांड है। भाइयों इस वीडियो को है ना, मैं दिल से बोल रहा हूँ भाई, इस वीडियो को है ना भर भर कर ज़्यादा शेयर करें, और जो जैसे खाली भाई जैसे ने आवाज़ उठाई है, इस आवाज़ को ताकि उस बुलंदियों तक पहुंच सके, ताकि उन नेताओं तक पहुंच सके जो इनकी आवाज़ सुनने वाला हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा भाई, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।